ई सर्विस बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस बिल का विरोध करने के लिए तमाम विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। सदन के अंदर और सदन के बाहर उनको समर्थन मिला भी, लेकिन चूंकि एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में है तो ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। इसके लागू होते ही दिल्ली में चुनी हुई सरकार कई मामलों में कमजोर हो जाएगी और तमाम बड़े अधिकार उपराज्यपाल के मार्फत अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार को मिल जाएंगे। बिल पास होने के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में काम कर रहे तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार सीधे ये नहीं करती, दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं जो केंद्र सरकार के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं। उनके जरिए होगा और गृह मंत्रालय कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी। ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए या एलजी के पास, इसे लेकर लंबे समय तक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ये अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे, उसके बाद केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ले आई थी। अब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर उस ऑर्डिनेंस का कानून बनना तय हो गया है। इसी के साथ दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार से छिनकर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आज एक चुनी हुई सरकार जो केंद्र में है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश कर रही है। आज देश के संसद में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर तो लोकतांत्रिक बिल को लेकर आया जा रहा है। जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संविधान ने ताकत दी है, जब इस ताकत पर बार बार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मोहर लगाई है, तो आज देश का संसद, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोमिनेटेड संसद क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो संविधान द्वारा दी हुई ताकत को छीनने की कोशिश कर रहा है। ये भली भांति जानते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्वाजाई फेडरल है और उसमें केंद्र को हमेशा से प्राइमेसी मिली है। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि दिल्ली एक राज्य है और राजकीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, राजकीय व्यवस्था को भी बदला जा सकता है अगर वहां पे अनियमित चीजें चल रही हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है विद लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली सर्विस बिल ने उपराज्यपाल को और भी कई शक्तियां दी हैं। उपराज्यपाल के पास अधिकार होंगे कि वो अथॉरिटी के प्रस्ताव के बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जाए, स्थगित किया जाए या भंग किया जाए। इसके अलावा कई मामलों में उपराज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके भी फैसला ले सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।